नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजाट सीके चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 2 रुपए के इस सिक्के के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें इस सिक्के की कीमत उस टाइम पे 1500 रुपए के आसपास थी। अभी कुछ टाइम फिर मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और अभी इसकी कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, इस सिक्के के बारे में एक कंफ्यूजिंग पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग मुझे डेली ऐसे सिक्के सेंड भी करते हैं, कुछ लोग मिलते हैं वो लोग ऐसे सिक्के दिखाते भी हैं, लेकिन वो सिक्के रेयर नहीं होते। अब 2 कारण होते हैं, कोई भी सिक्का रेयर होता है ना, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि कोई सिक्का शॉर्ट मिंटेज की वजह से रेयर होता है। मतलब आपको जैसे मैंने 1 साल और मिंट बताई, वो सिक्का अगर आपके पास निकल आता है तो वो रेयर होता है। ऐसे कुछ सिक्के होते हैं जो ओनली शॉर्ट मिंटेज की वजह से ही रेयर होते हैं। तो ऐसे सिक्के आपको मान लो मिल गया तो वो आपके लिए एक कलेक्टिबल सिक्का बन जाता है। लेकिन कुछ सिक्के ऐसे भी होते हैं जो एक कुछ एरर की वजह से रेयर होते हैं, कुछ और वजह से भी रेयर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो कुछ ऐसी ही है। 1998 में 2 रुपए का एक सिक्का बना था हैदराबाद की मिंट से, और ये सिक्का किसी कारण की वजह से रेयर हुआ था, मतलब शॉर्ट मिंटेज की वजह से 1998 का स्टार मिंट मार्क का सिक्का रेयर नहीं है। अगर कॉमन सिक्का आपको मिल जाता है स्टार मिंट मार्क का तो वो रेयर नहीं होगा, वो आपका सिक्का बिकेगा नहीं, उसकी कीमत मात्र 2 रुपए होगी। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, अगर वो सिक्का आपके पास मिल जाता है तो आपका सिक्का एक अच्छी वैल्यू आपको दे सकती है। कीमत मैं बताऊंगा आज के टाइम पर इस सिक्के की कीमत क्या मिल सकती है। और जब मैं पहले वीडियो बनाया था उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या थी, जो वैल्यू मैंने उस वीडियो में बता के रखी है आप जाके चेक कर सकते हैं। कम से कम 6-7 महीने हुए 1000 रुपए बढ़ गए इस सिक्के। तो ऐसे सिक्के अगर आपको मिल जाते हैं तो एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है। अभी भी सेल करेंगे तब भी आपको वैल्यू मिल सकती है। और इसको मान लो कि आपने, आप एक कॉइन कलेक्टर हैं, आप कलेक्शन कर रहे हैं और आपने इसको रख लिया, तो कुछ साल के बाद तो इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ के मिलेगी। तो ये आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 6 महीने में 1000 रुपए बढ़े तो फिर कितने भी बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना कि बढ़ ही जाएंगे, ये चीज कभी नहीं लेके चलना। ये जो कलेक्टर लोग होते हैं, जो लोग कलेक्शन करते हैं, वो एक उनका शौक भी होता है और हॉबी भी होती है, और उसके साथ में उसका एक नॉलेज भी होता है। तो सभी चीजों को देख के ही कलेक्शन किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी सिक्के जमा करके मेरे पास बहुत बार मिलते हैं, बहुत सारे लोग एल्बम तैयार करके रखते हैं लेकिन उसमें 2-3 सिक्के भी अच्छे वाले नहीं निकलते हैं, बेकार बेकार ही निकलते हैं। मतलब जो कॉमन सिक्के होते हैं वो भरे हुए होते हैं उनके पास में। ऐसा मेरा एक वीडियो पहले वायरल हुआ था, उस वीडियो में क्या हुआ था, मैंने 1-2 रुपए के सिक्के की जानकारी दी थी। एक्चुअली में वो सिक्का OMS वैरायटी का था, मैंने OMS वैरायटी के सिक्के के बारे में जानकारी दी और कुछ लोग कॉमन सिक्कों का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैंने तो एक सही जानकारी दी है, आप उसको गलत समझ रहे हैं, गलत तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो आपको कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो आज का इस जो सिक्का है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक OMS वैरायटी का सिक्का था, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये शॉर्ट मिंटेज की वजह से रेयर नहीं हुआ है। 1998 का हैदराबाद मिंट का, मतलब स्टार मिंट मार्क का, 2 रुपए का ये सिक्का 1 रुपए की प्लेन चिप पे जारी कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये सिक्का कुछ अलग टाइप में देखने को मिला। थोड़ा इसका जो ये एज है, जहां पे कोने बने हुए हैं, ये कोने नहीं नजर आते हैं और गोल्ड सिक्का देखने को मिलता है, और उस सिक्के का कलर, जो पॉलिश, ये सभी चीजें चेंज हो जाती है क्योंकि वो सिक्का FSS मेटल में देखने को मिलता है। ये सिक्का कुछ दिन पहले मैंने जब वीडियो बनाया था तब इसकी वैल्यू 1500 रुपए थी, लेकिन आज के टाइम पर इसकी वैल्यू 3000 से ऊपर जा रही है। फ्यूचर में इसकी 4000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। जैसे जैसे कलेक्टर बढ़ते हैं सिक्कों की डिमांड बढ़ती जाती है। इस सिक्के की पहचान क्या है, तो आप लोग इस सिक्के को कैसे पहचान सकते हैं, इसको पहचानने के लिए आपको 1 रुपए के सिक्के की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
तो आप इस सिक्के को आसानी से पहचान पाएंगे। 1 रुपए के 2 रुपए का जो सिक्का होता है उसकी साइज होती है 26 mm और वेट होता है 6 ग्राम। मेटल होता है कॉपर निकल और जो इसका थिकनेस होता है वो होता है 1.71 mm। ये इसकी मतलब जानकारी है 2 रुपए के सिक्के की। अब 1 रुपए के सिक्के की जानकारी और देखिए, मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट होता है 4.85 ग्राम। कितना फर्क हो गया, 8.5 ग्राम, 4.85 ग्राम और वो वाला 6 ग्राम का, तो फर्क हो गया ना वेट में। उसके बाद में इसका जो थिकनेस है वो होता है 1.4 mm और सिक्के की साइज 25 mm, जबकि 2 रुपए की सिक्के की साइज 20 mm, 1 mm का फर्क हो गया। तो मतलब ध्यान से देखने पे आसानी से पता लगाया जा सकता है सिक्के का। सबसे पहले आपको इसका शेप बिगड़ा हुआ नजर आएगा, 2 रुपए के मतलब इसके ऊपर बना हुआ तो 2 रुपए ही रहेगा, डिनोमिनेशन 2 ही देखने को मिलेगा, सब कुछ 2 रुपए का ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका राउंड है वो पूरा राउंड बन जाता है जिसमें कोना नहीं नजर आता है 2 रुपए के सिक्के में। दूसरी चीज ये है कि इसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है, साइज थोड़ी छोटी हो जाती है, देखने में थोड़ा पतला देखने को मिलता है, कलर डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये सारी सिक्के की पहचान है। और इसके बाद में कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर मान लो कि हमें ये सिक्का मिल जाता है तो हम इसको सेल कहाँ करें। सेल करने की सबसे सेफ जगह होती है एग्जीबिशन, जहां पे आपको अच्छे अच्छे कलेक्टर मिलेंगे, उनको सबसे पहले ये सिक्का दिखाएं कि आपका, आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिक्का OMS वैरायटी का ही है। उसके बाद में आपको सेल करना है तो आप मतलब उन लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरा सिक्का मुझे सेल करना है, अगर किसी को जरूरत होगी तो आपसे खरीद लेगा, अगर नहीं खरीदता है कोई बात नहीं है, अपना सिक्का वापिस अपने एल्बम में लगा लीजिए और रख लीजिए। अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद में इस सिक्के की और डिमांड होगी, तब ये सिक्का आसानी से बिक जाएगा। और उसके बाद में भी अगर आपको ऐसे लगता है कोई कॉइन कलेक्ट मतलब कलेक्शन नहीं करता है, वो लोगों के पास में ऐसे ही कोई सिक्का मिल जाता है, तो आप लोग, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नंदुजाट RJ23। सबसे पहली बात ये है, इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बता दी है, फोटो भेजने से पहले जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें आपको पहले खुद कंफर्म करनी है। सबसे पहले आपके सिक्के का शेप देखना है, उसके बाद में उसका वेट चेक करना है। दूसरी चीज, इसको मैग्नेट से भी चेक किया जा सकता है, जो OMS वैरायटी का होगा, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के सिक्के की प्लेन शीट पे ही ये वाला डाई यूज किया जाता है, इसके लिए ये मैग्नेट भी कैच करेगा। तो ये बहुत सारे हिंट हो गए आपको चेक करने के लिए, उसके बाद में ही आप फोटो सेंड करें, और अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आप मुझे जानकारी जरूर दें। तो गाइस, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों के पास में भी जानकारी जा सके और वो लोग भी गलत फहमी के शिकार ना हो। तो चलो मिलते हैं आने वाली एग्जीबिशन में। जय हिंद, जय भारत।